अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। रिदला भाभी आप भाभी आप कैसी हरकतें कर रही हैं? ढोल वाले भैया आ गए। अब मृदुला डांस करेगी। आज हमें ना बिल्कुल परीक्षा वाली उलझन हो रही है। तब हमें ये समझ में नहीं आता था कि हम बाल खुले कर कर जाएं या बांध कर, जिससे हमारा दिमाग तेज चले। और आज इन दोनों में से कौन से कपड़े पहने हमें वही समझ में नहीं आ रहा, जिसमें हम सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे। कोई बताने के लिए होता तो अच्छा होता। कोई और क्यों, मैं ही बता देता हूं तुम पर कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लगेगी। ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल अलग लगोगी तुम इसमें। पक्का? अनमोल, मैं कभी कच्ची बात करता हूं भला? ठीक है। दिल में बसा के मेरी धड़कन तुम हो, देखूंगा तुमको शाम सहर मेरा दर्पण तुम हो। तुमको रखूंगा दिल में बसा के मेरी धड़कन तुम हो, देखूंगा तुमको शाम सहर मेरा दर्पण तुम हो। जी ना सकूंगा मैं होके जुदा, गवाह है चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद तारे गवाह है तेरे मेरे मिलन के अपने दीवानेपन के नजारे गवाह हैं।
दीवू, 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 मेरा फोन दो। देखो लग जाएगी तुमको। दीवू फोन, फोन दो। दीवू, दीवू मैं कह रहा हूँ फोन। तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। I'm sorry, वो दिव्यासा के चक्कर में ना मैं, पर सच में दीवू तेरा फोन दो। पापा नहीं, मुझे गेम खेलना है। दीवू, दीवू, दीवू रुको। अच्छा रुको, कहाँ जा रहे हो? नीचे चलना है। माँ दीवू मेरा फोन ले गई है, वो लेकर आता हूँ। फोन हम ला देंगे, मेहंदी लगाने का समय हो रहा है। रुको अनमोल, तो इतनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। अच्छा चलो, मेहंदी का समय हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। रजत तुम भी नीचे आ जाओ जल्दी से। हाँ दीपू से फोन हम ला देते हैं। पर फोन करके देखते हैं। अभी कौन फोन कर रहा है? हेलो, ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 8 बजे। बहुत प्यारी लग रही है। अमो, आज के खास दिन हम तुम्हें किसी खास से मिलवाना चाहते हैं। मिलो, ये हंसिका है, तुम्हारी होने वाली भाभी। हाँ, और प्यार से सब हमें HS बुलाते हैं, यानी हार्ट स्टफ। है ना ये नंदनी से भी ज्यादा सुंदर। भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? और ऐसे किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। और उससे तो बिल्कुल भी नहीं, जो हर तरह से खूबसूरत हो। अरे देख एक बार नंदिनी को, तब समझ में आएगा सुंदरता क्या होती है। जिसकी आंखों में सच्चाई हो वो सुंदर होता है, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास हो वो सुंदर होता है, जो खुद के लिए खड़ा होने का दम रखता हो वो सुंदर होता है। अरे इंसान की सुंदरता चेहरे पर नहीं,
उसके मन में, उसके काम में होती है। थैंक यू सो मच उदय, हमें इतने अच्छे से पहचानने के लिए। सचमुच हम बहुत लकी हैं कि हमें तुम्हारे जैसा पति मिला। भोला जी, हमारी बिटिया उदय के साथ? कल्याणी जी, आश्चर्य तो हमें भी बहुत हो रहा है, और अगर नंदिनी कह रही है वो खुश है तो अच्छा ही है। भैया ये सब क्या था? सच सच बताइए, आप नंदिनी से प्यार करते हैं? ये प्यार नहीं, नाटक है। मतलब अजय को जलाने के लिए हम और उदय बेस्ट कपल का ड्रामा कर रहे हैं, जिससे अजय उस देसी तड़के से दूर हो सके। भैया आपको इससे कोई परेशानी नहीं है? नहीं, नंदिनी को उसकी खुशियां मिले, उसे अजय का साथ मिले, उससे में क्या परेशानी हो सकती है? क्या है बाबू, ये सहरीलो का पार्टी में तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। चलिए हम थोड़ा डांस गाना करते हैं, तभी तो इस शाम में थोड़ा रंग चढ़ेगा। छोड़ो, हमें कोई नाच गाना नहीं करना है, तुम्हें नाचना तुम जाके नाचो। नाम क्या आपके होनाले पति का? रजत जी। लगता है वही है। वैसे कमाल है, शादी आपसे हो रही है और आपके होनाले पति किसी और के साथ समय बिता रहे हैं। आप जानती हैं उन्हें? नहीं। तो फिर आप अपने विचार भी मत रखिए, क्योंकि आपके विचार गलत हैं। हमारे रजत जी बहुत अच्छे हैं, समझी? हाँ, अनमोल, मेरे पति का नाम अपने हाथ पर जितना चाहे लिखवा लो, लेकिन एक बात बताऊं, ये नाम तुम्हारे हाथ पर सिर्फ छपेगा, रचेगा नहीं, क्योंकि इसका रंग मैंने छीन लिया है। रजत, अनमोल बेटा, चलो बेटा तुम दोनों भी डांस करो। आओ अनमोल, आओ आओ।
में रुमाल के बीन बना के डीजे पना किन के धुन बजा के अजय बाबू हमारे जैसी हार्ट स्टफ को छोड़कर उस बनारस की जलेबी को ज्यादा भाव आखिर दे कैसे सकते हैं? अचार तो खत्म हो गया है, ये कुकर से इतनी अजीब आवाज क्यों आ रही है? अपनी दीदी, अपनी कितनी कमाल की बात है ना, जब कुछ भी गलत होने वाला होता है वही वहां से निकल जाती है। जो कुछ हो रहा है क्या रोहित जानबूझकर कर रही है? ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 8:30 बजे। इस वक्त इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? सुधरवाने के लिए, भैया जी के कमरे का है इसलिए आज ही ठीक करवाना है। अच्छा ठीक है जाओ, मगर ध्यान से जाना। सच में ब्यूटी विथ ब्रेन है हम। अच्छा हार्ट प्लान बर्बाद हो गया, इस बनारस की जलेबी को तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा ध्यान किधर था? वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो तुम्हारा तो कचुम्बर बन गया होता। आओ चलो उठो, आओ ना। अच्छा बेटा उठ। माता रानी का लाख लाख शुक्र, बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। मृदुला थैंक यू, तुमने अनमोल को बचा लिया। पता है आज तुमने बहुत बड़ा काम किया। वो मुझे सुपर हीरो करते हैं। वाह, तुम हमारे साथ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है अनमोल, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है ताकि मैं रजत की नजरों में उठ सकूं। बाकी मेरा बस चले ना तो इन्हीं कांच के टुकड़ों से समाधि बनाकर उसमें लिटा दूं तुम्हें। जेठानी जी ने हमें बचाया, पर ऐसा क्यों लग रहा है बचाने के बीच कुछ छुपाया जा रहा है? मोटी आंटी मुझे धक्का देती हो, मैं नहीं हटूंगी। अरे तुम हटो ना। मुझे गिराएगी?
के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा ना, अब तो हम तुम्हारे पति नहीं रहे ना। जब तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है तो हम इस घर में रह के क्या करेंगे? आखिर जीत ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इसका मतलब उसका प्यार झूठा था। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9 बजे। अरे मेहंदी वाली, ये कैसी फीकी मेहंदी लगाई है तूने? इसका रंग अपने आप से काहे नहीं चढ़ा है? आंटी जी, मैंने वही मेहंदी लगाई है जो इनके मायके से आई थी, बल्कि आपको और दुल्हन को सेम मेहंदी लगी है। बुआ जी, ये मेहंदी हमने अपने सामने पिसवाई थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मेहंदी रंग ना लाए, क्योंकि अम्मू बचपन से यही मेहंदी लगाती आ रही है। हाँ बुआ जी, हमारे घर की मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ता है। गहरा चढ़ता है तो फिर हमारे हाथ में काहे नहीं चढ़ा है? हमारे हाथ का लोहे के है? तो क्या हमारे हाथ में भी मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा होगा? क्या हमें जीवन भर पति का प्रेम नहीं मिलेगा?